यदा सत्वे प्रवृत्ति, जब सत्वगुण बढ़ जाएगा मतलब प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान से सारे रोशन हो जाएंगी इंद्रियां, ज्ञान में कार्य करेंगे तो क्या होगा, प्रलयम याति दयेनम, उस समय अगर मृत्यु होती है तो तदुत्तम इदम् लोकम्, तब कहां जाएंगे, उत्तम लोकों की ओर जाएंगे, जैसे स्वर्ग है या ऊंचे लोक से उदर जाएंगे, ऊंचे लोक में जाएंगे लोकान, अमलान प्रतिपद्यते, जहां पर अमल लोग रहते हैं, अपराधी नहीं, जहां पर पवित्र लोग जाते हैं, यहां पर भगवान ने लिखा तदुत्तम विदान लोकान, तभी भगवान ने ये नहीं लिखा सतोगुण में मरोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, भगवान ने ये नहीं लिखा सतोगुण में मरने वाला मोक्ष को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कहा, कौन से लोक में जाएगा, ऊंचे उत्तम लोकों में जाएगा। अगर रजोगुण में मरे, रजोगुण में मतलब इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें, वांट मोर, ये दिल मांगे मोर, तो फिर कहां पर जाएंगे, कर्म संगेशु जायते, ऐसे ही लोगों में जन्म लेंगे, जन्म मरण जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार इसको भोगना पड़ेगा, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनि, और अगर तमोगुण में मर गए, जेड़ो अन्न तेरो मन, जेड़ा आहार तेरे विचार, और अगर तमोगुणी विचार में मर गए तो भगवान ने बोला जानवर बनना पड़ेगा। अभी देखो भगवान ये नहीं बोलते गीता में, गीता में भगवान की एक अलग टेक्निक है, भगवान ये नहीं बोलते ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा नहीं बोलते, भगवान बोलते क्या, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और अंत में भगवान क्या बोलते हैं, जी अमण इतने कर, अभी मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, व्यामिश्रेण वाक्य ना यथिच्छसि तथा करो, जैसी आपकी इच्छा है, एज यू वॉन्ट यू कैन डू, आपको जैसा मर्जी है ऐसा करो, रिजल्ट तो मैंने बता दिया।